सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के सभी इकाई में 65वां खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। वहीं आज सीसीएल कठारा प्रक्षेत्र के कठारा कोलियारी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय 65वां खान सुरक्षा सप्ताह देखने को मिला है, जिसमें मुख्य रूप से पदाधिकारी के द्वारा कार्य का नियम सुरक्षा पालन करते हुए कोयला उत्पादन कार्य के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए जूता, हेलमेट, दस्ताना, मास्क, चश्मा आदि सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए एवं पालन करने को कहा गया है। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता सिराज अंसारी के साथ। निर्देश दी गई ये जो वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह रांची और कोडरमा क्षेत्र बीजीएमएस के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। ये 19 से 28 दिसंबर तक चलेगा। आज कठारा कोलियारी का निरीक्षण किया जाना है। अभी शुरुआती दौर में स्टॉल का निरीक्षण किया हम लोगों ने, कुछ फर्स्ट एड का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया और कुछ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर काफ़ी सराहनीय था। सुरक्षा सप्ताह का मतलब है कि सुरक्षा के प्रति लोगों को जितना अधिक से अधिक अवेयर किया जा सके, जितना सुरक्षा के मापदंडों में खदान की तैयारी हो, और खदान एक दूसरे के खदानों का निरीक्षण करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो सीख कर अपने खदानों में लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ सुरक्षा के स्तर को इससे इम्प्रूव किया जा सकता है और एक हेल्दी कंपटीशन पे आपस में जो कंपटीशन होती है, इससे माइंस को अच्छे बेहतर तरीके से जो तैयार किया जाता है, उससे सुरक्षा के स्टैंडर्ड में वृद्धि होती है। सुरक्षा सप्ताह मनाने का ही उद्देश्य है। आज का जो कठारा कोलियारी का जो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो काफ़ी सराहनीय था, और इसी तरह सुरक्षा के जो स्तर है उसमें वृद्धि होती रहनी चाहिए। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, SOP, ट्रांसपोर्ट रूल, ये सब के बारे में विस्तृत रूप से डॉक्यूमेंट्स तैयार रहनी चाहिए। लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर, ये खदान कठारा कोलियारी में होल रोड सीसीएल और कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी दोनों डंपर एक ही रोड पर आता है, तो उसमें सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं खदान में अभी जाऊँगा। अभी तो जस्ट शुरुआती दौर का यहाँ पर जो प्रोग्राम था उसको देखा मैंने, और अभी खदान के बाद जो भी कमियां होंगी उसको विस्तृत रूप से उसको उसके बारे में उसकी मार्किंग की जाएगी और जो भी कमियां हैं उसको बताई जाएगी, और उसके संदर्भ में जो भी कमियों को दूर करने का जो करना होगा एक टाइम फ्रेम में उसको हेडक्वार्टर की तरफ से भी निर्देश दिया जाएगा कि उस कमियों को कैसे दूर करना और कितने दिनों में करना है। सर, ये सुरक्षा को लेकर डिपार्टमेंटल और आउटसोर्सिंग की हवा एक ही रोड में आया जा सकता है या नहीं? नहीं नहीं, डिपार्टमेंटल मैंने यदि चौड़ाई हो और बेहतर होगा कि डिपार्टमेंटल का जो डंपर है वो दूसरे उसके रास्ता दूसरा हो और आउटसोर्सिंग का रास्ता दूसरा होना चाहिए, ऑलआउट अलग अलग होना चाहिए। तभी कितनी होनी चाहिए सर इसकी चौड़ाई? लगभग ऑलआउट की चौड़ाई जो डंपर की विड्थ है उससे कम से कम 3 गुना से अधिक होनी चाहिए। सर, ओपन कास्ट है और आजू बाजू में ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जानवर हैं, बच्चे भी हैं, खेलते हैं या जानवर आ जाते हैं वहाँ पे, इसके सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा? कानून संगत